फ्रूटी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम परेशान मत हो। जैसे अल्तू आ जाएगा, वो एप्पल को ढूंढ निकालेगा। अल्तू आ गया। अल्तू अंकल, जेफ किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा ना? वो तो मुसीबत से निकल गया, उल्टा हम फंस गए। तुमने उस जेफ को मंत्र बताया और उसने सबको, अब उसको और सजा ना मिले इसलिए मुझे उस प्रोफेसर को उड़ाना पड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? और कोई चारा ही नहीं था, लेकिन मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचा है जहां से वो खुद अपना घर भी ढूंढ नहीं पाएगा। वो सब छोड़ दो, पहले तुम एपी को ढूंढ निकालो। ये लो सैंडल, सुनो और बताओ कहां है वो। चलो। ओफो, अल्तू को तो हमेशा जल्दी होती है। चलो, इक्तू बिक्तू जिम पतूता। दीपक, कुछ सोचो बेटा। अरे मम्मा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे सोचने की जरूरत क्या है? बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? वो निगोड़ी रूबी तो किसी काम की निकली नहीं। वो बच्ची है, अभी समझ जाएगी। पता है, कल मुझसे मिस्टर बंबानी के बारे में पूछ रही थी। वो हमारा तो था ही जादूगर, लेकिन अगर उस पर भी ध्यान देती ना, तो सोने के अंडे मुर्गी के अंडे नहीं बन जाते। लेकिन वो समझ गया था कि इसका ध्यान तो रोहित पर है। अरे, रोहित के बेटे का क्या किया तूने? अभी कुछ करता हूँ, डोंट वरी। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? बिल बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी कुछ कर। करता हूँ ना। हेलो, शैलेश बोल रहा हूँ दीपक भैया। हाँ बोलो। कुछ सोचा? अरे मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। सुनो, रोहित को फोन करो और रैंसम, मेरा मतलब है फिरौती में 1 करोड़ रुपया मांग लो। 1 करोड़? आपको ज्यादा नहीं लगता दीपक भैया? लो, मांगने वाले को ज्यादा लग रहा तो देने वाले को तो पता नहीं कितना ज्यादा लगेगा। अरे बड़ा सोच, बड़ा। उसे पैसे लेकर कहाँ बुलाना है? ओहो, पहले डिमांड तो रखो। ठीक है दीपक भैया, मैं भी उसे फोन करता हूँ। बच्चे का रखवाला बोल रहा हूँ। कैसा है एपी? कैसा है वो? आपने उसे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? लो, बात कर लो। बात कर अपने बाप से। पकड़। हेलो पापा। हेलो एपी, कैसे हो बेटे? ठीक तो हो ना? हाँ पापा। एपी, फ्रूटियाँ आई थी, क्या तुम्हें लगता है उसके पास कोई जादू है? पापा, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे यहाँ से छुड़ा लेती ना। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा एपी, इन लोगों की शक्ल देखो और इनको याद रखना। अच्छा, उन्हें फोन दो, मैं उनसे पूछता हूँ उनकी डिमांड्स क्या है। शैलेश भैया, लो बात करो पापा से। बड़ी तमीज से बात कर रहे? पापा ने कहा है। हाँ हेलो। हाँ जी, मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अब बताइए आपकी डिमांड्स क्या है। हमारे बॉस ने कहा है वो 1 करोड़ से कम नहीं लेगा। 1 करोड़? 1 करोड़ कहा आपने? हाँ मिस्टर रोहित, 1 करोड़। देखिए, 1 करोड़ तो देखिए रोहित जी, अगर आपको बच्चा वन पीस में चाहिए तो आपको 1 करोड़ देना ही पड़ेगा। मैं अपने बेटे के लिए 1 करोड़ तो क्या, 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए ना। अरे नहीं है तो पैदा करो। देखिए भाई साहब, आप समझदार आदमी है, आपको जानना चाहिए आज के जमाने में 1 करोड़ रुपया कौन रखता है अपने पास। वो सब हमें नहीं मालूम। 1 करोड़ दोगे तो बच्चा पूरा मिलेगा, अगर 0.25 करोड़ दोगे तो बच्चा आधा मिलेगा। नॉनसेंस। अब होश आया ना? मैं जानता हूँ कि तुम एक मजबूर बाप की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्या करें मिस्टर रोहित, अपना बिजनेस ही ऐसा है। देखिए, मैं अपने बेटे के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना ज्यादा पैसा अरेंज करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? कम से कम 2 दिन, और उसके बाद पैसे कहाँ पहुँचाने होंगे? जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा तब जगह भी बता देंगे। हेलो 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 रोहित बेटा, क्या उन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा? 1 करोड़ मांगा है। बाप रे, 1 करोड़ रुपया! बेटा, अब क्या होगा अगर उन्होंने मेरे बच्चों को कुछ कर दिया तो? ऐसा मत बोलिए मामा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। यह सब तुम्हारी रूबी के वजह से हो रहा है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम सब लोगों की जान लूंगी। ना वो तुम्हारी जिंदगी में आती, ना मेरे
बच्चे घर से भागते। मेरे बच्चे। एक करोड़ रुपया कैश, वो भी दो दिन में, कैसे मैनेज करेंगे मिस्टर रोहित? मिस्टर पारेख, पैसा तो इंतजाम करना ही होगा, कैसे करना है ये आप जाने। ठीक है मिस्टर रोहित, मैं चलता हूँ, ऑफिस जाके अकाउंट्स चेक करके आपको फोन कर दूंगा। जल्दी करिएगा। ठीक। रोहित, पुलिस में से किसी का फोन आया? पुलिस का तो नहीं आया, लेकिन एक फोन आया था। किसका? किडनैपर्स का। एपी किडनैप हो गया। क्या? एपी किडनैप हो गया? दादी, दादी, आप अपने घर में लिफ्ट क्यों नहीं लगवाती? मैं थक गया। बैठ जा। मैं तेरे लिए लिफ्ट लगवा दूंगी। अच्छा बेटा, तो जो कहेगा वो मैं करूंगी। अच्छा अच्छा, एक बात बता बेटा। कौन सी बात? अरे वो मंत्र क्या था जिसे प्रोफेसर उड़ा था? जब मैंने प्रोफेसर को वो मंत्र दिया था तब आप भी थी ना वहाँ पे। हाँ। अच्छा देख, वो यही था ना, इत्तू बित्तू। वो नहीं था? तो फिर तुम बताना बेटा, मैं तो भूल गई हूँ। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज मेरा अच्छा बेटा, बताओ ना मुझे। नहीं, आप मुझे 100 टक बैठक करने को बोलोगे फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, एप्पी और फ्रूटी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है ना? वो तो मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तुम चाहते हो ना कि वो सही सलामत वापस आए? हाँ, मैं तो उनके लिए चर्च में हर रोज प्रेयर भी करता हूँ। अरे बेटा, अगर उस मंत्र से हम एपी और फ्रूटी को ढूंढ सके तो वो जो किडनैपर्स है ना, उन्हें रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ ऊपर जाने का ही मंत्र है, नीचे आने का मंत्र नहीं है। ये मेरा पल्लू है ना, इसे मैं यूं ऊपर जाऊंगी और पैराशूट की तरह नीचे उतर आऊंगी। ठीक है, तो फिर उठिए। अच्छा, उठ गई मैं। अब स्कूल के ऊपर खड़ी हुई है। अच्छा, अरे बाप रे, पकड़ना मैं गिर न जा। बोलो अब क्या होगा? अब हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे लो, ऐसे तीन बार इट्टू बिट्टू जिम पटूटा बोलिए। इट्टू बिट्टू जिम पटूटा। टू। इट्टू बिट्टू जिम पटूटा। थ्री। इट्टू बिट्टू जिम पटूटा। जम। नहीं नहीं बाबा, मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, तो फिर आप उड़ भी नहीं सकोगी। अरे जेफ, अरे जेफ, अरे जेफ, सुनो तो सही। अच्छा बाबा, कुत्ती हूँ। उधर उस घर में। आपको कैसे मालूम? मुझ पर विश्वास रखो फ्रूटी, मेरी नाक कुत्तों से भी अच्छी है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, अभी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। कैसा लगता हूँ मैं? बहुत अच्छे हैं अंकल। फ्रूटी अभी इधर आओ। फ्रूटी की आवाज है। ए फ्रूटी वाली, एपी वाली। तो अंकल, मैंने एपी की आवाज सुनी। अब तो मेरे नाक पर विश्वास आया ना। अच्छा चलो। एपी वाली, एपी वाली, यहाँ आओ। ए चुप बे, किसको बुला रहा है तू? चुप। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।